और अब इस पेंडिंग प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द अकम्प्लिश करने के लिए दोनों इंडिया और सऊदी अरेबिया ने अब एक जॉइंट टास्क फोर्स को एस्टैब्लिश करने की अनाउंसमेंट की है और इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आई को भी रेफर किया है और बोला है कि ये कॉरिडोर एक हिस्टोरिक स्टेप है आई होप यू नो ये वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर इसी वीकेंड में हुए जी समिट में लॉन्च किए गए इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के दो कॉम्पोनेंट्स में से एक है ये आई एक काफी सिग्निफिकेंट आउटकम है इस वीकेंड हुई जी ट्वेंटी समिट का इस प्रपोज मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की कोशिश है एशिया रीजन गल्फ कंट्रीज और यूरोप को कनेक्ट करने के लिए एक इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाना इसमें रेलवे शिप नेटवर्क और रोड ट्रांसपोर्ट रूट्स को कनेक्टिविटी के लिए डेवलप किया जाएगा आई होप आपको इस समिट के बाकी और सभी आउटकम्स के बारे में भी पता है जैसे कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस डेली लीडर्स डिक्लेरेशन प्लान्स टू रिफॉर्म मल्टीलेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस वगैरह और अगर आपको नहीं पता तो इस एडिशन से प्रीवियस एडिशन को देख लें ऐसे किए गए मेजर अनाउंसमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रस्पेक्टिव से और ऐसे एक मल्टीनेशन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर तो पिछले ही साल प्रमरी में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है यह न्यूज है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से और इसका ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट का 2014 में दिया गया एक वर्डिक्ट जिसमें उन्होंने बोला था कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट डी एस का सेक्शन सिक्स इनवैलिड है यह एक्ट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का पेरेंट एक्ट है और इसके सेक्शन सिक्स में ओरिजिनली ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे ज्वाइंट सेक्रेटरी या फिर उससे ऊपर वाली रैंक के ऑफिसर्स पर सीबीआई को अपने इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करने के लिए पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी इस कंट्रोवर्शियल प्रोविजन को दो में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर इनवैलिडेट कर दिया था ये बोलकर कि ये प्रोविजन आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी को वायोलेट करता है अब ये आज न्यूज में फिर से इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि उनकी ये जजमेंट रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होती है मतलब कि 2014 में जब इस ओरिजिनल जजमेंट को दिया गया था उससे पहले के भी केसेस पर ये जजमेंट अप्लाई होती है और सीबीआई को उन 2014 से पुराने केसेस के लिए भी गवर्नमेंट से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है अब ये जजमेंट

न्यूज रिलेटेड है इंटरनेशनल करंट अफेयर से और इसका कॉन्टेक्स्ट है मोरक्को में हुए अर्थक्वेक्स अर्थक्वेक्स 6.8 मैग्नीट्यूड पर मोरक्को में आज तक के सबसे हैं इन अर्थक्वेक से काफी नुकसान हुआ है और लगभग ढाई हजार लोगों की जान भी चली गई है रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय इन प्रोग्रेस है मोरक्को से रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा उस एक मेजर स्ट्रेट का नाम बताइए जो मोरक्को और स्पेन के बीच और मेडिटेरेनियन सी और एटलांटिक दो पार्ट्स में डिवाइड करता है एंड कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ अर्थक्वेक्स अर्थक्वेक्स एक ऐसा टॉपिक है जो इंडिया के ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में काफी रेलिवेंट है और इसी साल इस फंडामेंटल नॉलेज को टेस्ट करते हुए ये क्वेश्चन भी पूछा गया था अपनी ज्योग्राफी प्रिपरेशन में आप अर्थक्वेक्स को अच्छे से पढ़ लें उनसे रिलेटेड टॉपिक्स जैसे कि टाइप ऑफ वेव्स पी वेव्स एस वेव्स टेक्टोनिज्म इंडियन सीज़मिक एक्टिविटी वगैरह के बारे में पढ़ लें। न्यूज़ है जम्मू एंड कश्मीर से और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच हुई इस को हमने अपने कल के जी ट्वेंटी एडिशन में भी कवर किया था इस बायोलेट्रल मीटिंग में कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स की गई थी जैसे कि जेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग डील पर कांग्रेस नोटिफिकेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया और यूएस के बीच पेंडिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स का विड्रॉल और इंडिया का अमेरिका से इंपोर्ट किए जाने वाले 28 मेजर प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी का एलिमिनेशन तो वो 28 अमेरिकन प्रोडक्ट्स जिन पर इंपोर्ट ड्यूटी को हटाया गया है उनमें से एक मेजर प्रोडक्ट है अमेरिकन एप्पल्स और इस स्टेप से जम्मू एंड कश्मीर के एप्पल प्रोड्यूसर्स काफी चिंता में हैं उनका कहना है कि उनकी ये पूरी इंडस्ट्री कोविड के इम्पैक्ट से पहले ही कमजोर है और अब अमेरिकन एप्पल के इंपोर्ट्स को सस्ता करने से अब उनकी दिक्कतें और बढ़ जाएंगी यह न्यूज है फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप से और इसका कॉन्टेक्स्ट है जी ट्वेंटी समिट का सबसे बड़ा आउटकम डेली डिक्लेरेशन इस डिक्लेरेशन के कॉन्टेक्स्ट में चाइना ने कहा है कि वो इस डिक्लेरेशन को वेलकम करते हैं और वो ये भी वेलकम करते हैं जी ट्वेंटी फोरम को इकोनॉमिक इश्यूज के लिए यूज किया जा रहा है ना कि जियो पोलिटिकल को रिसोल्व करने के लिए और चाइना ने इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आई के प्लान को भी वेलकम किया है ये आज का एक्सप्लेनर पीस है और यह रिलेटेड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अगस्त में लिए गए डिसीजन से जिसमें उन्होंने गाइडलाइंस को इश्यू किया था लोन बोर को परमिशन देते हुए कि वो बैंक से लिए गए अपने लोन्स पर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट रिजीम से फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट रिजीम पर स्विच कर सकें। इन चेंजेस को इंट्रोड्यूस करने का रीजन है कि लोन लेने वाले कंज्यूमर्स बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स में होने वाले चेंजेस से इम्यून रहें, उनकी लोन रीपेमेंट के टेन्योर्स और ई की वैल्यूज में कोई चेंजेस ना हो आरबीआई की इन गाइडलाइंस के बाद अब बोरोवर्स के बाद ऑप्शन होगा फिक्स्ड और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट ऑप्शन में स्विच करने का और लैंडिंग एंटिटीज जैसे कि कमर्शियल बैंक्स और एन को लोन देते समय अपने सभी चार्जेस और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स को कंज्यूमर्स के साथ क्लियरली कम्युनिकेट करना जरूरी होगा लेंडिंग एंटिटीज को बताना पड़ेगा कि अगर लोन कंज्यूमर अपने रिजीम में चेंज को चूज करता है तो उसके क्या मेजर इंपैक्ट होंगे जैसे कि उनकी ई में क्या चेंजेस होंगे और उनके लोन के टेन्योर में क्या चेंजेस होंगे और कंज्यूमर्स अब अपने लोन्स को प्री पेमेंट करने के ऑप्शन को भी अब हर केस में चूज कर सकते हैं और आरबीआई ने लेंडिंग एंटिटीज को यह भी मैंडेट दिया है कि वो कंज्यूमर्स को हर क्वार्टर पीरियड के एंड में उनके लोन से रिलेटेड सारे रेलिवेंट स्टेटिस्टिक्स प्रोवाइड करें जैसे कि उनके लोन का कितना प्रिंसिपल अमाउंट अभी बचा है अब तक उनसे कितना इंटरेस्ट रिकवर किया जा चुका है उनकी ई का करंट अमाउंट कितना है उनके कितनी ई अभी और बची हैं और उनका एनुअलाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वगैरह बात करते हैं कि फिक्स्ड और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस क्या है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट में एज इट इज क्लियर बाय द नेम लोन का इंटरेस्ट रेट अपने पूरे रीपेमेंट टेन्योर के दौरान फिक्स्ड रहता है और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स फ्लक्चुएट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में हो रहे चेंजेस के साथ और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रिजीम में लोन्स पर इंटरेस्ट रेट्स जनरली कम होते हैं कंपेयर टू फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स जो महंगे होते हैं और इन दोनों के बीच का एक मेजर डिफरेंस ये भी है कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर कोई प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं होती मतलब अगर कोई बॉर अपना पूरा लोन फिक्स्ड समय से पहले चुका देता है तो उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाती जो कि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट रिजीम केस में लगाई जाती है पर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स के साथ अपने अलग रिस्क एसोसिएटेड हैं फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 10 साल के टेन्योर का एक हाउसिंग लोन लेता है ये देखकर कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट ऑप्शन उसके लिए सस्ता है ये डिसीजन उस बोरोवर के लिए एक्सपेंसिव हो सकता है क्योंकि नो बडी नोस अगले 10 साल में मार्केट्स कैसे बिहेव करेंगे और हो सकता है कि उस बोरोवर को फ्यूचर में हाई इंटरेस्ट रेट्स पे करने पड़े ये अनसर्टेनिटी फिक्सड इंटरेस्ट रेट्स के केस में नहीं होती और आरबीआई ने अपने इस सर्क्यूलर में बैंक्स को ये भी डायरेक्शन दी है कि बैंक कंज्यूमर को लोन देते समय उस कंज्यूमर की रिपेमेंट कैपेसिटी को असेस करें और उसकी बेसिस पर लोन दें। दिट्स ऑल फॉर टू फ्रेंड्स सी यू टूमोरो इन द नेक्स्ट एडिशन